नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। महेश पुनिया आपके साथ। चलिए जल्द से नजर आते हैं देश विदेश की सुर्खियां। फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करने के प्रयास में समंदर की लहरों में समाई नौका डूबने से 8 लोगों की मौत। चीन में जमा की जाती है 10 साल से छोटे लड़कों की पेशाब, हैरान कर देगी वजह। इमरान खान को कोर्ट से मिली राहत, मगर पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने किया आहत। यूक्रेन की मिसाइलों के जवाब में पुतिन कर सकते हैं परमाणु परीक्षण, नाटो से अमेरिका तक खलबली। अमेरिका के बाद अब इस प्रदेश के राष्ट्रपति की हत्या की रची गई साजिश, 6 विदेशी हुए थे दाखिल, षड्यंत्र हो गया फिर। दक्षिणी हैती में 17 लोगों की मौत के बाद घायलों का जीवन भी खतरे में, अस्पताल में नहीं मिल रहा इलाज। राम सेतु से लेकर कैलाश मानसरोवर तक सुब्रमण्यम स्वामी के नाम रही बड़ी उपलब्धियां। पटरी पार करते हुए ट्रेन से कटकर 3 महिलाओं की मौत, शादी में शामिल होने आई थी। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, सवाल पर आतिशी का आया जवाब। नितिन गडकरी के खुलासे पर संजय रावत बोले, उन्हें पीएम पद का ऑफर देना गलत नहीं। टूरिस्ट हब बना उत्तर प्रदेश, सिर्फ 6 माह में घूमने के लिए आए 33 करोड़ लोग, पर्यटन विभाग ने जारी किया आंकड़ा। जहाजपुर में धार्मिक जुलूस पर हुई पत्थरबाजी, बढ़ा तनाव, पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। कलेक्टर पर जीतू पटवारी के बयान से मचा सियासी भूचाल, सीएम मोहन यादव ने किया पलटवार। प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान, बोले सरकार बनी तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे शराबबंदी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की सुरक्षा में बड़ी चूक, मंच पर भागते हुए चढ़ गया शख्स। भाजपा विधायक मुनिरत्ना ने कहा, मेरे खिलाफ आरोप निराधार है। मोदी शाह नड्डा को विधायकों के बयानों का जवाब देना चाहिए, डीके सुरेश ने कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में सुनवाई में देरी की निंदा की। भाजपा ने कोटा संबंधी बयान के लिए राहुल पर साधा निशाना। मां बनने के 9 दिन बाद घर पहुंची दीपिका पादुकोण, अस्पताल से मिली छुट्टी, बदल दिया इंस्टाग्राम का बायो। 3-2 जैसा बवंडर उठाने की प्लानिंग कर रहे अक्षय कुमार, प्रियदर्शन डायरेक्टर ने खुद बताई कहानी। टीम इंडिया के बल्लेबाजों को लगी किसकी नजर, क्यों स्पेन गेंदबाजी के खिलाफ प्रसिद्धि होती जा रही है, हमारी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप ये आंकड़े हैं गवाह। क्विंटन डी कॉक ने सीपीएल 2024 में जड़ा शानदार शतक, अब 3 भारतीय बल्लेबाजों को पता। भारत फिर से बनेगा सोने की चिड़िया, जेफरीज की रिपोर्ट में भारतीय इकोनॉमी को लेकर आई अच्छी खबर। मोदी 3.0 में भी इंफ्रा डेवलपमेंट की तेज रफ्तार जारी, 100 दिनों में इतने लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।